दमोह विधानसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद भाजपा में उठा सियासी घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने जयंत मलैया और उनके बेटे के ऊपर पार्टी की कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा पार्टी को हार की समीक्षा सही ढंग से करनी चाहिए, अपने मुख्य वोट बैंक निम्न और मध्यम वर्ग की अनदेखी और महंगाई के चलते पार्टी की हार हुई है। भाजपा द्वारा हार की समीक्षा के बाद दमोह के वरिष्ठ नेता और 7 बार के विधायक जयंत मलैया को नोटिस देने और उनके पुत्र सिद्धार्थ मलैया सहित 4 मंडल अध्यक्षों को पार्टी से सस्पेंड करने के मामले में पार्टी की कार्रवाई को भाजपा के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी ने गलत ठहराया। कोठारी ने कहा कि आखिर राहुल लोधी को पार्टी में क्यों लिया गया, क्या वह विचारधारा से प्रभावित होकर आया था? अगर ऐसा है तो उसको इंतजार करना था, जबकि पार्टी ने उसको निगम का चेयरमैन बनाकर मंत्री का दर्जा दे दिया था। लोगों में राहुल के प्रति नाराजगी थी, इसके साथ महंगाई हार का मुख्य कारण बनी। पार्टी ने अपने मुख्य वोट बैंक निम्न और मध्य वर्गीय का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण ही पार्टी की हार हुई है। पार्टी को हार की समीक्षा सही तरीके से करनी चाहिए, एक व्यक्ति को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। मलैया परिवार जनसंघ के समय से पार्टी का कार्य ईमानदारी से करता आ रहा है। समीक्षा बैठक ईमानदारी से होना चाहिए, तथ्यों के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए और भविष्य से तभी हम सबक सीख सकेंगे। मलैया जी का परिवार जनसंघ के जमाने से, जब सत्ता नहीं थी हमारे पास और दूर दूर तक सत्ता आती दिख भी नहीं रही थी, उस जमाने से काम करने वाला परिवार है। उनको नोटिस देना, मैं ये मानता हूँ कि किसी को बलि का बकरा बनाना है और इसकी ईमानदारी से समीक्षा होना चाहिए। राहुल लोधी को पार्टी में लेने की क्या आवश्यकता थी? क्या वो विचारों से प्रभावित होकर आया था? अगर विचारों से प्रभावित होकर आया था तो फिर वो इंतज़ार करता। वो दल बदल करके आया, आपने उसको निगम का एक बनाकर मंत्री पद का दर्जा दे दिया, उसको पार्टी का टिकट दे दिया, ये हम क्यों कर रहे हैं? माननीय अटल जी जनता पार्टी के शासन में दल बदल कानून जब लाए, तब ये उद्देश्य था कि दल बदल ना हो, स्वार्थ के लिए दल बदले नहीं, और उससे गंदी राजनीति नहीं आए, इसलिए वो कानून उन्होंने बनाया था। आज उस दल बदल कानून का कोई औचित्य नहीं बचा है, अन्य तरीकों से दल बदल करवाया जा रहा है, उसकी मूल भावना खत्म हो रही है, सौदेबाजी से दल बदल हो रहा है, ये कहाँ का न्याय है? जब मैं खुद दल बदलना पसंद नहीं करता तो मैं दूसरे से कैसे अपेक्षा कर सकता हूँ कि वह दल बदले, उसको मैं कैसे ठीक मान सकता हूँ? पार्टी अपने पार्टी का कार्यकर्ता कोई दल बदल करके जाता है तो उसको ठीक नहीं मानती, उसको गद्दार मानती, तो कोई दूसरे पार्टी का आदमी हमारे दल में आ रहा है तो हम उसको ठीक कैसे मानते हैं? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।